मकराना अल मदद संस्था के चुनाव संपन्न हुए। मकराना अल मदद विकास सेवा समिति की बैठक अल मदद सिलाई सेंटर पर आयोजित कर नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संरक्षक मौलाना सैयद अली व तारिक आलम, अध्यक्ष पद हेतु हाजी मुगिर आलम गैसावत, उपाध्यक्ष पद हेतु मौलाना मोहम्मद अबरार अली, सचिव अफजल अहमद भाटी, सहसचिव नदीम अहमद चौहान, कोषाध्यक्ष मौलाना रफीक अहमद, सह कोषाध्यक्ष सगीर अहमद भाटी, कंप्यूटर ऑपरेटर दिलशाद अहमद फैजानी, मीडिया प्रभारी अब्दुल सलाम गैसावत व मोहम्मद शहजाद को सर्व सहमति से नियुक्त किया। मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह अल मदद सिलाई सेंटर पर आयोजित किया गया और नवनियुक्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त अध्यक्ष मुगिर आलम ने कहा, जिस तरह सभी ने आम राय होकर मुझे सेवा करने का मौका दिया है, उसमें सभी पदाधिकारी सदस्य मिलकर आमजन हित का कार्य करेंगे। इस मौके पर कमेटी के मौलाना शाकिर अली, निजमुल हसन, मौलाना साबिर अली, मोहम्मद रमजान गैसावत, इरशाद अली टांक, मोहम्मद आरिफ अनवर अहमद अब्दुल रहीम गैसावत, मोहम्मद रिजवान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मकराना से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट। आज जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ है, उसमें सभी मेंबरों जो शनिवार को मीटिंग करके सर्वसम्मति मुझे सदर बनाया अल मदद का, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सभी सदस्य को इसमें तन मन और धन से मन लगाकर काम करना है। हमारा सबका एक उद्देश्य है, संस्था का भले ही सदर हो, लेकिन यहाँ पे जो हमने 24-25 जो भी सदस्य है, उन सभी को अध्यक्ष मानना है और सभी को मन लगा के और अल मदद को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।